नमस्कार, आइए इस हाथ पर प्रकाश डालने से पहले एक ज़रूरी सूचना। जो लोग हस्तरेखा सीखना चाहते हैं उनके लिए हमने एक नया चैनल शुरू किया है। चैनल का नाम है सरस्वती पामिस्ट्री। चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। तो मेरे सामने ये हाथ है और इनकी ये कनिष्ठा उंगली, और कनिष्ठा उंगली पर बेहतरीन टावर यानी कि धन को गेन करने की शक्ति, और साथ के साथ सूर्य के पहले प्रथम पर्व तक इनके ये इसकी रेखा की लंबाई पहुंच चुकी है। आपके पास व्यावसायिक गुण पूरी तरीके से ठोक ठोक करके एक जो व्यापारिक गुण व्यक्ति के अंदर थे वो यहाँ पर भरे हुए हैं, और आप साथ में एक व्यापारी भी हैं। वाणी से दूसरे को सही तरीके से अपनी बात को पहुँचा देने के लिए एक व्यापारी को ज़रूरी ये गुण होना चाहिए, और वो गुण आपके अंदर है। बात कर लेते हैं आपकी सूर्य की उंगली की। ये सूर्य की उंगली और निश्चित रूप से मोटे रूप से जुड़ाव है, नीचे खड़ी हुई रेखा भी है। कितनी बार ऐसे देखा गया है कि व्यक्ति पिता से संबंधित वर्क को भी करता है, और साथ ही साथ वो आत्मा से सच्चा भी होता है, और उसके अंदर ज़्यादा बहुत कीर्ति के नहीं, लेकिन वो ये चाहता है बस मेरा काम भर की मेरी कीर्ति चलती रहे, वही मेरे लिए सबसे बड़ी कीर्ति है। तो ये अपने आप में यहाँ इनकी इस उंगली ने बताया। बात कर लेते हैं शनि की उंगली की। शनि की ढैया, शनि की साढ़े साथी, शनि से संबंधित काम, लोहे का काम हो, पेंट का काम हो, या ये समझिए शराब का काम हो, या लिक्विड जो काम होते हैं, जो पेट्रोल है, डीजल है, इस तरीके काम व्यक्ति को फलित होते हैं लोहे के। तो यहाँ से ये शनि का खड़ा हुआ ये जो आपका टावर था, ये अच्छा टावर है, इसके अंदर अच्छी ताकत है, धन के आगमन आपके पास बने रहेंगे थोड़े रूप में या ज़्यादा रूप में। चलिए बृहस्पति की उंगली है, ये बृहस्पति की उंगली, इसका हल्का सा झुकाव जो है, बहुत हल्का सा झुकाव है, वो शनि की तरफ है। तो ये अपने आप में इस बात को दर्शाती है आप इतने ज़्यादा पैसे के पीछे भागने वाले भी नहीं हैं, लेकिन जो है ईश्वर के प्रति आस्था भी आपके पास है, और जीवन में मकान है, ये सब चीज़ें आपके पास, जो सुख सुविधाएं होती हैं वो सब आपको मिलेंगी, ये बृहस्पति की उंगली ने कहा। आइए बुध पर्वत पर चलते हैं। बुध की उंगली अच्छी, एक व्यापारी की उंगली, साथ ही साथ में आपके पास में ये जो रेखा यहाँ से जा रही है और जा करके नीचे से, जो एक व्यापारी के लिए हाथ में रेखाएँ होनी चाहिए, ये रेखाएँ आपके हाथ में यहाँ बुध पर्वत की तरफ देखती हुई, यानी कि व्यापारी गुणों के लिए बुध पर्वत की तरफ जो देखती हुई रेखाएँ होती हैं, वो भी व्यापारी के अंदर गुण जो होना चाहिए, वो गुण आपके इस अंदर मिला हुआ है। आपको संतान से सहयोग भी मिलेगा, बुध पर्वत अच्छा है, और साथ ही साथ आप में व्यापारी गुण हैं, तो व्यापार के द्वारा आप धन भी कमाते रहेंगे। आइए सूर्य पर्वत पर चलते हैं। सूर्य पर्वत पर सम पर्वत है, एक रेखा खड़ी हुई है, ये इस बात को दर्शित करती है, बहुत हल्की रेखाएँ बाद में दूसरी भी हैं जो इस बात को दर्शाती हैं, अपने क्षेत्र में, अपने कार्य क्षेत्र में ही आपका सिर्फ नाम यश वगैरह होगा। अब बात कर लेते हैं आपके शनि पर्व की। शनि पर्व में पर्व पर एकमात्र ये ट्रायंगल बना हुआ है, ये ट्रायंगल एकमात्र इतना काफ़ी है, जो ट्रायंगल है ये नीचे यहाँ से, ये जो ट्रायंगल बन गया यही इतना भर काफ़ी है जो आपको जीवन भर धन दिलाने में सहायक रहा है। तो यहाँ पर ये ट्रायंगल अगर नहीं होता तो जीवन यापन बहुत मुश्किल हो जाता, इसकी वजह से आपको जीवन भर धन के आगमन बने रहेंगे। पर्वत भी अनुकूल है और साथ के साथ उंगली का टावर भी मजबूत है। अब बात कर लेते हैं आपके बृहस्पति पर्व पर। ये बृहस्पति पर्व पर भी एक यहाँ पर ट्रायंगल बन गया, ये ट्रायंगल भी व्यक्ति को जीवन में मकान दिलाता है, वाहन सुख सुविधाएँ दिलाता है, साथ में अच्छी तंदुरुस्ती भी देता है। तो ये भी अपने आप में अनुकूल पर्व आपका है। ये हृदय रेखा देखिए, आपकी हृदय रेखा पर चलते हैं। हृदय रेखा आपकी बहुत स्पष्ट रूप से एकदम सीधी चलती हुई, किसी भी प्रकार से नहीं देखने में लगता कि आपको कोई हृदय से संबंधित रोगों का सामना करना पड़ेगा, साथ के साथ आपको पत्नी से भी सहयोग मिलता है। तो यहाँ पर ये हृदय रेखा अपने आप में बहुत अच्छी रेखा है, तो ये अपने आप में सही, यहाँ पर पत्नी से सहयोग, किसी प्रकार का पत्नी के साथ में विवाद नहीं, ये भी दर्शाती हुई रेखा आपकी। चलिए ये यहाँ पर सही इंडिकेशन मिल गई। अब बात कर लेते हैं आपके यहाँ पर मस्तिष्क रेखा की। मस्तिष्क रेखा, मस्तिष्क रेखा का अच्छी तरीके से जुड़ाव, और जा करके हल्का सा ये ऊपर को टर्न है इसका एक, बाकी यहाँ पर अपने आप में ये भी है ट्रायंगल सही बनता है। तो ये अपने आप में दर्शाता है कि व्यक्ति के पास व्यापारिक क्षमता के लिए बुद्धि है, भाई मुझे तो सिर्फ अपना व्यापार चाहिए, अपने काम का ही जुनून व्यक्ति के अंदर होता है और होना भी चाहिए। तो अपने आप में ये बुद्धि रेखा भी आपकी अनुकूल निकली है।
अब बात कर लेते हैं आपकी कुछ सवाल के साथ साथ पर्वतों के बारे में। देखिए, आपने पूछा मेरा व्यवसाय कैसा रहेगा। इस समय आपकी उम्र चल रही है यहाँ पर 44 वर्ष, और आपकी व्यापार की रेखा जो निकली है वो आपकी लाइफ लाइन से निकली है। बहुत ज़्यादा देखा गया है, जब जब लाइफ लाइन से निकल करके भाग्य रेखा निकलती है तो व्यक्ति को पैतृक व्यापार मिलता है, और ये बड़ा ट्रायंगल जो ऊपर की तरफ बन रहा है, फिर एक ट्रायंगल हुआ जो परिवार से मजबूती देता है, इसके ऊपर भी एक ट्रायंगल सा यहाँ जा करके ऐसे कुछ लगता है। तो यहाँ ट्रायंगल्स आपके जो है ना, ये आपको बहुत अनुकूल कर रहे हैं। तो ये आपको परिवार से मजबूत देता है, या परिवार से संबंधित व्यापार करे आदमी तो उसको फलित होता है। अब बात आ गई इस समय के व्यवसाय, इस समय कैसा चल रहा है। आपने पूछा व्यवसाय व्यवसाय कैसा रहेगा। देखिए, व्यवसाय आगे आगे जो मुझे दिख रहा है वो मुझे 55 वर्ष तक बड़ा जटिल दिख रहा है। आपकी 44 वर्ष की उम्र है और अभी 11 साल में आपको व्यापार में बहुत फॉल डाउन का को देखना पड़ेगा। तो ये स्थिति यहाँ पे आगे अनुकूल नहीं नज़र आ रही है। सही कहा है आपने कि आपको इस समय पैसे की तंगी चल रही है, और कब ठीक होगी इसके लिए मैं कुछ उपाय बताऊंगा तो उससे आपकी स्थिति अनुकूल हो जाएगी काफ़ी। लेकिन अभी आगे हमारे आने वाले 10 ईयर्स में काफ़ी कुछ आपको व्यापार से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो ये यहाँ पर नज़र आ गया। अब आपकी आयु रेखा को देख लेते हैं। ये आपकी आयु रेखा यहाँ से निकल करके ये भाग्य रेखा में जुड़ करके और यहाँ नीचे तक पहुँच गई है, और इधर से भी ड्रॉ कर गई है। यानी कि अगर कुल मिलाकर मैं देखूँ तो यहाँ पर इस बात को दर्शाती है कि आपकी आयु लगभग लगभग यहाँ अभी 78 वर्ष की बन गई है। आगे भी आयु रेखा बन जाती है तो इसमें ज़्यादा वहम ना करें। तो कुल मिलाकर ये ठीक है। यहाँ भी एक रेखा ने निकल करके यहाँ से नीचे से आकर के मणिबंध से जुड़ करके और इधर कुछ व्यापारिक रेखाओं को जोड़ा है, तो वो फिर यहाँ भी दिखाई देता है कि हो सकता है आपको पैतृक संपत्ति में व्यापार मिला हो। चलिए, ये सब अपने आप में अनुकूल स्थिति। यहाँ पर शुक्र पर्वत को देख लेते हैं। शुक्र पर्व, और शुक्र पर्वत पर जो अपने आप देखें तो बहुत ज़्यादा लग्जीरियस जीवन नहीं है, लेकिन जीवन के अंदर सुख सुविधाएं आपको सब मिलती रहेंगी, ये यहाँ पर दर्शाने वाली स्थिति। अब यहाँ सब पर्वतों के बारे में, रेखाओं के बारे में मैंने आपको सब कुछ बता दिया। मणिबंध भी नीचे काफ़ी प्रभावित है, तो हर पर्व स्वास्थ्य से लेकर के सुख सुविधाओं से लेकर पत्नी से लेकर के मतलब सब स्थिति बस नॉर्मल नॉर्मल रूप से सब कुछ ठीक ठाक है। तो हाथ इतना ख़राब नहीं कह सकते, कुल मिलाकर एक नॉर्मल हाथ है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ उपाय, क्या उपाय करें कि आपके व्यापार चल निकले। देखिए, सबसे पहला उपाय आप ये करिए कि आप अपनी दुकान पर जाकर के श्री सूक्तम पढ़िए, श्री सूक्तम पढ़िए रोजाना, और बाद में महालक्ष्मी स्रोत, श्री सूक्तम पढ़ें बाद में महालक्ष्मी स्रोत पढ़ें आप अपनी दुकान में बैठ करके रोजाना। एक तो आपको ये करना है, साथ ही पत्नी से कहें कि वो वैभव महालक्ष्मी के व्रत रखा करें। वैभव महालक्ष्मी के व्रत रखें, इन दो काम को कर लीजिए, आपका व्यापार सुचारू रूप से ठीक चलता रहेगा। तो मैंने आपके हाथ के बारे में सब कुछ बताया। आशा करता हूँ आपकी जिज्ञासा को मैं शांत कर सका हूँगा। नमस्कार।